हेलो हाय गाइस, दिस इज़ मनीष शर्मा एंड वेलकम ऑन सरस्वती क्लासेस। आई होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग वेल। आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं और जो भी आपकी मनचाही पोस्ट हैं आप बिल्कुल पाएँ वो सारी पोस्ट जो भी आप चाहते हैं। और गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पे DSSB का जो पेपर हुआ है 2019 में, हम उसके सॉल्यूशंस देखेंगे कि किस टाइप का पेपर आया था, क्या हमारी अप्रोच रहनी चाहिए थी क्वेश्चंस के लिए, कितने कम टाइम में हम कर सकते थे। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम स्टार्ट करते हैं अपने सॉल्यूशंस को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये कह रहा है, व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स। तो आप मुझे ये बताइए कि पहले प्राइम नंबर्स होते क्या हैं, आपको ये पता होना चाहिए। आई होप कि सबको पता होगा। स्टिल, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो अपने नंबर से डिवाइड होते हैं या फिर वन से डिवाइड होंगे, या तो अपने टेबल में आएंगे या सिर्फ वन में। जैसे कि आप कहेंगे सेवन, सेवन किस किस के टेबल में आता है, तो आप कहेंगे सेवन और वन, बस दो के टेबल में आता है। तो प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं या तो अपने टेबल में आए या वन में। ठीक है, तो ये कह रहा है पहले 10 प्राइम नंबरों का औसत क्या होगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं पहले 10 प्राइम नंबर क्या है, तो आप कहेंगे दो, फिर तीन, फिर पाँच, फिर सात, फिर ग्यारह, फिर तेरह, फिर सत्रह, फिर उन्नीस, फिर तेईस और फिर आपका 29 आता है। हाँ, 29 आता है। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं कि एवरेज क्या है, तो आप कहेंगे 10 नंबर है, इन सब का एडिशन डिवाइडेड बाय 10। अब जब आप इन सबको टोटल करेंगे तो आपका जो सम आएगा वो आएगा 129 डिवाइडेड बाय 10। तो जब आप इनका एवरेज निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 12.9। तो आपका एवरेज आ जाएगा 12.9, जो कि आपका होगा सी ऑप्शन, बिल्कुल राइट है। ठीक है, अब एक छोटी सी नॉलेज ये है, कल को अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि एक से लेके 50 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, तो आप वहाँ गिनने तो बैठेंगे नहीं, वरना सारा टाइम वहीं निकल जाएगा। तो आप ये लिख लीजिएगा, एक से लेके 50 तक में 15 प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है, एक से लेके 50 तक 15 प्राइम नंबर होते हैं। 50 से लेके 100 तक में अगर मैं आपसे पूछूँ तो आप कहेंगे सिर्फ 10 प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूँ एक से लेके 100 तक में, तो आप कह देंगे 25 प्राइम नंबर होते हैं। अगर मैं बोलने लगूँ एक से लेके 200 तक कितने प्राइम होते हैं, तो आप कहेंगे 46 प्राइम नंबर होते हैं। तो एटलीस्ट आप 200 तक तो ध्यान रखें कि एक से लेके 200 तक 46 प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम थोड़ा चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि टू नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 4:3, इफ देयर SCF इज 15, फाइंड द नंबर्स। वो कह रहा है कि दो नंबर हैं जो चार 4:3 के अनुपात में है, तो इनका SCF अगर 15 है तो वो नंबर ज्ञात करें कि नंबर क्या है। अब आप मुझे ये बताइए, आप लोगों को भी पता होगा कि अगर मैं SCF की रेशियो से मल्टीप्लाई कर दूं तो हमें क्या मिल जाएगा, दोबारा नंबर्स मिल जाते हैं। ऐसा होता क्यों है, कॉमन फैक्टर्स की वजह से होता है। ये चीज़ मैं आपको तब बताऊंगा जब हम SCF और LCM पढ़ेंगे। अभी आप बस इतना ध्यान रखिए कि अगर SCF की रेशियो से मल्टीप्लाई करें तो आपको दोबारा नंबर्स मिलेंगे। रेशियो क्या है 4:3। अब आप कहेंगे कि SCF कितना है, 15। तो देखिए, 15 × 4 = 60, 15 × 3 = 45, तो नंबर क्या आ गया, 60:45। अगर आप पेपर में ऐसे करते तो 2 या 3 सेकंड शायद इतने टाइम लेते। अब आपका तीसरा क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन का। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, तो वैसे तो सभी बच्चों ने ठीक करा होगा, स्टिल आपको मैं बता दूं, सिंप्लीफिकेशन हम हमेशा इस नियम पे सॉल्व करते हैं, बोर्ड मास पे। ये मैथ्स का बेसिक है। ये कहता है कि ब्रैकेट ओपन डिवाइड मल्टीप्लीकेशन एडिशन और सब्ट्रैक्शन। मतलब कि ये आप जो भी ऑपरेशन करने वाले हैं, जितने भी ऑपरेशन है आपके, इसके अकॉर्डिंग जाने चाहिए कि पहले आप ब्रैकेट खोलें, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। आप ऐसे नहीं कर सकते कि आपने पहले मल्टीप्लिकेशन कर दिया, फिर सब्ट्रैक्शन कर दिया, फिर डिवीजन कर दिया, फिर ब्रैकेट खोला, आपका आंसर बिल्कुल गलत आएगा। ठीक है, तो ये बेसिक्स चेक करने के लिए ही ये क्वेश्चन दिया गया और इसमें कुछ नहीं है। तो आप देखिए, 2 + 2 से 2 को डिवाइड करा, क्योंकि डिवाइड पहले होता है, तो आप कहेंगे 1, फिर प्लस, फिर मल्टीप्लिकेशन है, 2 × 2 = 4, प्लस 2, फिर माइनस और 2 × 2 = 4, तो आप कहेंगे 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 में से 4 गए 5, तो 5 आपका ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अब तीसरा क्वेश्चन है आपका कि वो ये कह रहा है कि f एक फंक्शन है जिसकी ये वैल्यू दे रखी है आपको। ठीक है, कह रहा है कि अगर f को मैं इस भिन्न को, f एक भिन्न है, सॉरी एक भिन्न है, फ्रैक्शन है, वो कह रहा है कि अगर मैं इसे लोएस्ट टर्म पर रिड्यूस करूँ, मतलब इसकी सबसे छोटी इकाई तक इसे ले जाऊँ, तो जो इसका अंश है, हर है, वो अंश से कितना बड़ा होगा। ठीक है, जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमिनेटर से कितना बड़ा होगा।
आप मुझे बताइए, ये जो 8-1 बार है इसे हम बार कहते हैं, ठीक है? अब अगर किसी को बार नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। अगर 8-1 पे बार है तो उसका मतलब है कि रिपीटेशन, मतलब 8-1 8-1 8-1 8-1 ऐसे ही लिखा जा रहा होगा आगे तक, ठीक है? ऐसे कंटिन्यू होगा। अगर मैं आपसे कहूँ 0.9 पे बार है तो आप कहेंगे इसका मतलब है 0.9999, ऐसे लिखा जा रहा है और आगे तक ऐसे जा रहा है। तो बार क्या करता है, हमारा टर्मिनल शो करता है हमें, ठीक है, कि नंबर को हमें टर्मिनेट करना है। ये हम नंबर सिस्टम में पढ़ेंगे आता कैसे है, इसका प्रूफ सब कुछ। फिलहाल हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, ये लिखेंगे 8 4 8 41 8 1 माइनस 8 4 1। अब देखिए जितने पे बार है ना उतने तो आप 9 लिख दीजिए, और जितने पे बार नहीं है आप कहेंगे कितने पे बार नहीं है, 8 4 1 3 डिजिट पे बार नहीं है, उतने 0 लिख दीजिए बस, ठीक है? अब आपने ये देख लिया। अब आप देखिए कि अब क्या करिए, 8 4 1 8 1 माइनस 8 4 1, इन दोनों को माइनस कर दीजिए तो आपको मिलेगा 8 3 3 4 0 डिवाइडेड बाय 9 9 ट्रिपल 0, 0 से 0 कट जाएगा। अब देखिए आप इसे सीधा 9 से डिवाइड करिए, क्यों? 8 4 12 और 13 14 15 16, ये 18 हो गया, इनका सम 18 और इसका भी सम 18। तो आपको पता है कि 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, अगर डिजिट्स का सम 9 नंबर से डिवाइड हो रहा है तो नंबर भी डिवाइड हो जाएगा। तो जैसे आप इसे 9 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 1 0 0। इसे अगर आप 9 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 9 जा 81, और 9 9 जा 81 यहाँ पर आएगा 2, 9 2 जा 18 और 9 6 जा 54। फिर आप इसे काटेंगे 2 से तो आप भी आ जाएगा 423 डिवाइडेड बाय, इसे 2 से काटेंगे तो कितना आएगा, 550। अब कह रहा है कि डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर से कितना बड़ा है, तो जब आप इसे माइनस करेंगे तो आपको पता, क्योंकि आगे तो कट नहीं रहा तो यही लोएस्ट फॉर्म है, तो जब आप इसे काटे माइनस करेंगे तो आपको दिख जाएगा 87, कि कितना है आपको ऑप्शन में दिख रहा होगा 87, जो कि आपका ऑप्शन ए है, ठीक है? अब फिर आपका कह रहा है कि ये आपका ये जो अब नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ है वो रेशियो एंड प्रपोर्शन से है। आपको एक छोटा सा क्वेश्चन दे रखा है, देखिए इस क्वेश्चन में ना आप दो टाइप से चीज़ें कर सकते हैं। अगर आपको टाइम सेव करना हो और ऑप्शन ज़्यादा हार्ड ना दे रखे हों तो आप एक्स प्लस वाई की जगह सिर्फ एक एक की वैल्यू निकाल लीजिए, जैसे दे रखा है 5/7, या तो आप एक्स निकाल लीजिए वाई निकाल लीजिए, ठीक है? तो आपका उससे भी आपको आंसर दिख जाएगा और आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा। जैसे आप देखिए 7/5 35 और 7 2 14, तो कितना हो जाएगा 35, ये हो जाएगा आपका 35x+14y इज इक्वल्स टू 5 3 15x+5 4 20y, ये आपका हो जाएगा 15x और 35x। यहाँ माइनस कितना हो जाएगा तो आप कहेंगे 20x, तो 20 का x, 14 इस साइड जाके 20 में से माइनस होगा तो आप कहेंगे 6 2y, 2 3 जा 2 10 जा। तो आप देख लीजिए रेशियो में, ऑप्शन में 3:10 कहाँ पर है। अब आपको दिख रहा होगा कि ऑप्शन में 3:10 जो है सेकंड ऑप्शन है हमारा, तो सेकंड ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। देखिए आपको पेपर में इतना टाइम लगाना भी नहीं है, अगर आपकी कैलकुलेशन थोड़ी भी फास्ट है तो आप इसे बहुत जल्दी कर जाएंगे, ठीक है? अब देखिए वो कह रहा है कि रेशियो ऑफ एफिशिएंसी ऑफ एबीसी इज 8:5:7। एफिशिएंसी को हिंदी में कहते हैं क्षमता, कि एबीसी की कार्य करने की क्षमता जो है 8 5 और 7 है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि सॉरी, इसका मतलब ये कि 8 A जो है 8 यूनिट बना रहा है, B जो है एक दिन में, एक ध्यान रखना एफिशिएंसी हमेशा एक दिन की होती है, कि एक दिन में A की कार्य क्षमता कितनी है, A एक दिन में 8 बनाता है, B 5 बनाता है और C 7 बनाता है। कह रहा है कि ये जब काम करते हैं एक साथ तो 70 दिनों में काम कंप्लीट करते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं एक दिन में कितना करते हैं तो आप कहेंगे कि ABC एक दिन में करते हैं 8 5 13 20, तो आप कहेंगे एक दिन में 20 यूनिट बनाते हैं। तो मैं आपसे कहूँ 70 दिन में कितने बनाते हैं तो आप कहेंगे गुणा कर दो। फिर वो कह रहा है कि सी जो है अकेला इस कार्य का 30% कितने वक्त में कर देगा, पूरे कार्य का 30% सी कितने वक्त में कर देगा, तो आप कहेंगे पूरा कार्य तो ये आ गया। अब मैं कहूँगा आपसे 30%, तो आप कहेंगे इसका 30% ये रहा। अब मैं कह रहा हूँ सी तो कितने दिन में करेगा, तो आप कहेंगे सी की एफिशिएंसी 7 है, आप कहेंगे सी की एफिशिएंसी 7 है तो सी से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है? तो 0 से 0 0 से 0, 7 से 7, 20 दिया 60, तो ये कितना आ गया 60 डेज, सीधा सीधा आंसर आ गया 60 डेज, ठीक है? इजी था ये वाला क्वेश्चन भी। अब आप देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिंप्लीफिकेशन पे है. नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 2 अपॉन 5 इंटू 2 अपॉन 5 माइनस ये. अब आप देखिए आपको उसे सिंप्लीफाई करने की कोई भी नीड है. अगर आप से ध्यान देखें 2:5 को आप ए मान लें, 6:7 को बी मान लें, तो आपको क्या दिखेगा? आपको दिखेगा ऊपर बन रहा है ए स्क्वायर, नीचे माइनस बी स्क्वायर, और नीचे बन रहा है ए प्लस बी. यही बन रहा है. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं? आप कहेंगे ए माइनस बी और ए प्लस बी, और नीचे क्या बन रहा है? ए प्लस बी. अब बताइए ए प्लस बी से तो ए प्लस बी कट गया, तो बच्चा क्या है? ए माइनस बी. और ए क्या है? 2/5, और बी क्या है? माइनस का 6/7. तो आपका ये होगा 2/5 माइनस 6/7. अब आप जब इसे वो करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो आपका आएगा माइनस का 16/35. अब देखिए अगर आप यहाँ तक भी पहुँच गए तो आप थोड़ा सा अपना दिमाग ये लगा सकते हैं, 5:7 वो 5 और 7 आपका नीचे है, तो इसका एलसीएम कितना आएगा? 35. तो आपको ये तो पता चल गया कि 35 आ रहा है, तो आप ऑप्शन ए और ऑप्शन बी तो यहीं से एलिमिनेट कर दीजिए. अब आप ये बताइए आपको ऑप्शन बी और सी सेम है. अब आप मुझे खुद बताइए कि जब आप इसे यहाँ पे सॉल्व करेंगे, आपको देख के पता चल रहा है कि ये माइनस वाली टर्म बड़ी होगी, तो माइनस की बड़ी संख्या होगी तो माइनस बचना चाहिए, तो ऑप्शन डी आंसर. ये आपका टाइम बचाती है, पेपर में आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप पेपर में अगर यहाँ तक भी आ जाते हैं तो कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनका दिमाग चल ही नहीं रहा होता है, वो फिर भी सॉल्व कर रहे होते हैं. तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखिए, क्योंकि पेपर में क्या है, सेकंड सेकंड भी इंपॉर्टेंट होता है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि इसे सॉल्व करिए. अब आप मुझे ये बताइए, अगर मैं आपसे पूछूँ 9 का स्क्वायर क्या है, तो आप कहेंगे 81. अगर मैं आपसे कहूँ 0.9 का स्क्वायर क्या है, तो आप कहेंगे 0.81. यही हो जाएगा 0.81. ठीक है, तो ऊपर है 405, और 0.81 का स्क्वायर, 0.81 का रूट सॉरी, तो आप कहेंगे 0.9. पॉइंट हटेगा यहाँ से तो 10 आ जाएगा, यही से काटेगा तो 45 इंटू 10 450. ठीक है, ऑप्शन 4 आंसर. अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि वो सबसे छोटी चार डिजिट का मुझे वो सबसे छोटा नंबर बताएं जो कि 6, 8, 12, 20 से भाजित होने पे कोई भी रिमाइंडर ना छोड़े. मतलब अगर उसे 6, 8, 12, 20 डिवाइड करें तो कोई भी रिमाइंडर ना बचे. अब आप मुझे एक चीज़ बताइए, अगर आप खुद देखें कि इसमें एक नंबर 12 आ रहा है, आप मुझे बताइए 12 आ रहा है, तो आप कहेंगे हाँ. अब आप मुझे बताइए 12 को 3 डिवाइड करता है, 12 को 3 डिवाइड करता है, आप कहेंगे हाँ. तो अगर 3 12 को डिवाइड कर रहा है तो उस पूरे नंबर को भी 3 को डिवाइड करना चाहिए. ठीक है, तो अब आपको कुछ नहीं करना, 3 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है. 4 और 1 5, ये नंबर 3 इसे नहीं काटेगा. 5 6 7 8 नंबर 3 इसे भी नहीं काटेगा, ये ऑप्शन कट गया, 3 इसे भी नहीं काटेगा. अब बचा 8 और 9, इसे भी काट रहा है, 3 इसे भी काट रहा है. अब आप मुझे बताइए, वो कह रहा है सबसे छोटा, तो आप बताइए ये छोटा है या छोटा, आप कहेंगे ऑप्शन ए छोटा है, तो ऑप्शन ए आंसर. आपको एलसीएम लेने की भी ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ से आराम से टाइम सेव कर सकते हैं. ठीक है, अगर किसी बच्चे को ये समझ में नहीं आया है कि मैंने ये ऑप्शन सेकंड और फोर्थ कैसे काटा है, तो मैं बता देता हूँ. 3 का डिविजिबिलिटी रूल होता है. 3 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि कोई भी संख्या जिसका सम 3 से कट रहा है वो 3 से कटेगा. जैसे आपको पहला ऑप्शन था 0, 8, 1, 0, इसका सम कितना होगा? 8 और 1, 9. 9 3 के टेबल में आता है, आप कहेंगे हाँ, तो ये नंबर भी 3 से कटेगा. तो इसलिए ये सेकंड और थर्ड नहीं है. ठीक है, इसलिए मैंने काट दिया था. अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि ये डेसिमल नंबर है 16 डेसिमल प्लेसेस. कोई एक डेसिमल नंबर है जिस जो डेसिमल के बाद उसमें 16 नंबर है, तो ये कह रहा है कि उस नंबर के स्क्वायर रूट में कितने नंबर होंगे. देखिए इससे पहले आप मुझे एक छोटी सी बात बताइए, अगर मैं आपसे बोलूं 4 का स्क्वायर, तो आप कहेंगे 4 का स्क्वायर 16. अगर मैं आपसे कहूँ 0.8 का स्क्वायर, तो आप कहेंगे 0.8 का स्क्वायर होता है 0.64. यही, अब आप देखिए एक डिजिट है तो 2 हो गया, यहाँ भी डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो 2 हो गए. डेसिमल के बाद डिजिट देखिए आप, अगर मैं आपसे बोलूँ 0.25 का स्क्वायर बताइए, तो आप कहेंगे 0.0625. ये हो जाएगा. यहाँ पर डिजिट कितनी है? 2. स्क्वायर पर कितनी हो गई? 1, 2, 3, 4. अगर स्क्वायर पे 4 हो रही है तो स्क्वायर रूट पे आधी हो जाएगी. तो अगर यहाँ 16 है तो स्क्वायर रूट पे आधी होनी चाहिए, तो 16 का 8 आधा कितना होता है? 8. तो सिंपल. ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है 0.616161 इसे सॉल्व करिए. अब आप मुझे बताइए 616161, ये सेम नंबर ही तो रिपीट हो रहा है, तो आप कहेंगे अभी मैंने आपको समझाया है कि 0.6161 की जगह 0.61 पे बार कर दो. ठीक है,
अब मैंने आपको बताया बार कैसे सॉल्व करते हैं, नंबर ऐसे लिखा जाएगा, जितने पे बार उतने 9, बार कितने 2 पे। आपको ऐसा कहीं नंबर दिख रहा है? आप कहेंगे हाँ, आंसर बताइए कितना इजी है, कितना टाइम लग रहा है इसमें। पूछ रहा है कि इनमें से सबसे छोटा भिन्न कौन सा है, आप मुझे बताइए। ये तो आपको देख, अगर ये आपको ऑप्शन से ही करना है तो आप मुझे बताइए तो कितना है। आप कहेंगे 0.27, ये तो देख के पता चल रहा है। अब आप मुझे बताइए अगर मैं इसे सॉल्व करता हूँ, क्योंकि ये तो आंसर है ही मुझे दिख रहा है, पर मैं आपको सारे सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, तो आप कहेंगे इसके पीछे जीरो मान लीजिए, डिविजिबिलिटी, क्योंकि डिवाइड तो होना ही है, 0 पॉइंट, तो कितना होगा 0.64 आ जाएगा। 11 6 66, ये 70 है। जैसे आप डिवाइड करने, देखिए जब भी आप डिवाइड करने जाए ना, अगर ये बड़ा है तो आप ऊपर जीरो मान लीजिए तुरंत, और फिर आप डिवाइड हो जाएगा आपका। अब आप इसे डिवाइड करने जाएंगे, ऊपर जीरो मानेंगे, ठीक है, तो आपको कितना हो जाएगा 0 पॉइंट, ये किससे काटेगा इसे, 2 2 2 समथिंग, तो ये 0.22, ये 0.27, ये 0.64। और अगर आप इसे 3 और 100 मान लेते हैं, नीचे नीचे 100 और ऊपर 30 कर देते हैं, तो आपका आ जाएगा 0.30। अब आप मुझे बताइए कि चारों फ्रैक्शन में से सबसे छोटा फ्रैक्शन कौन सा है, तो आप कहेंगे 0.22, सिंपल, ठीक है। अच्छा देखिए मैं आपको बताता हूँ कि आप ना जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, आप इनका अप्रोक्सीमेशन भी ले सकते हैं, अप्रोक्सीमेशन से कोई गलत नहीं होता। जितना आप न्यूमिनेटर या डिनोमिनेटर को घटाएंगे, उससे थोड़ा ही आपको जो आपका आंसर आएगा उसे अप डाउन करना पड़ेगा। जैसे अगर मैं बोलूँगी 7/11 है, तो मैं कहूँ आपको 11 को 10 मान लूँ, तो आप कहेंगे 0.7, अब आपको तुरंत मिल गया 0.7। अब आप मुझे एक बताइए, आपने घटाया है ना, डिनोमिनेटर घटाए, तो डिनोमिनेटर घटाए ना, तो आपका जो आंसर आएगा ना, ये भी थोड़ा सा घट जाएगा। आप इसे थोड़ा सा घट के मानिएगा, तो आप 0.6 कुछ समथिंग मानिए इसे, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं अप्रोक्सीमेशन। अगर ठीक है, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दो नंबर हैं जो कि किसी नंबर का 30% और 50% है, तो आप बताइए कि पहला नंबर दूसरे नंबर का कितना प्रतिशत है। अब आप मुझे बताइए, कोई नंबर ए है, तो पहला नंबर इसका 30% है, तो आप कहेंगे 30 a/100। दूसरा नंबर इसका 50%, तो आप कहेंगे 50 a/100, 100 से 100, ए से ए, 0 से 0। अब आप मुझे बताइए, वो कह रहा है पहला नंबर तो ये है और दूसरा नंबर ये है, 3 5 का कितना% है। अब आप मुझे खुद सोच के बताइए, मैं 5 के ऐसे किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ मुझे 3 आ जाए, तो आप कहेंगे 6 से, 6 5 30, क्योंकि 3 आ रहा है 3। अब आप इसे यहाँ से चाहे 500 मान लो, ऐसे 300 मान लो, तो 500 का 60% ही तो 30 होता है, वो 300 होगा तो 60%, ठीक है। आप यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन भी चेक कर सकते हैं ईजिली। अब ये भी आपका एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। अब आप एलसीएम लीजिए, यहाँ पे आपका एलसीएम है 1 + 1/2। अब आप इसका एलसीएम लेंगे तो आप क्या कहेंगे, 3/2, तो इस वाले पोर्शन को सॉल्व करके कितना आ गया, 3/2। तो आपके पास बचा क्या, 1 + 1 1/3/2, 3/2 ऊपर जाके उल्टा हो जाएगा, तो हो जाएगा 2/3। अब आप इसे सॉल्व करिए, क्या हो जाएगा, 3 3 1 3, 5/3, तो यहाँ इसे सॉल्व करके कितना आ गया, 5/3। इस पूरे को सॉल्व करके आ गया 5/3, 5/3 ऊपर चला जाएगा, तो जब 5/3 ऊपर चला जाएगा तो ऊपर बचेगा 1 upon 1 plus 5/1 upon 5/3। ये 5/3 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 1 upon 1 plus 3/5। ये कितना हो जाएगा यहाँ पे, 5 1 5, 8 upon 5, ये हो जाएगा 8 upon 5, 8 upon 5 उल्टा हो जाएगा, तो आप कहेंगे 5 upon 8। अब ये उल्टा हो क्या हो जाएगा, ये 1 upon 8 upon 5 है, तो ये 8 upon 5 उल्टा जाके 5 upon 8 हो जाता है। जैसे कि आप इसे ऐसे समझिए, अगर मैं आपसे कहूँ a/b/c/d लिखा है, इसे सॉल्व करिए, तो आप कहेंगे c/d जो है ना, इसे सॉल्व करेंगे आप कहेंगे a/b (d/c), यहाँ पे जाके उल्टा हो जाएगा, c/d का क्या हो जाएगा, d/c। ऐसे ही मैं 8/5 का 5/8 कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि इफ़ द इनकम ऑफ विमल इज 10% मोर देन दैट ऑफ दीपक एंड द इनकम ऑफ दीपक इज 20% लेस देन दैट ऑफ शेखर, देन द इनकम्स ऑफ विमल, दीपक एंड शेखर आर रिस्पेक्टिवली इन द रेशियो। मतलब विमल की जो आय है वो दीपक की आय से 10% ज़्यादा है, दीपक की ये आय
शेखर की आय से 20% कम है, तो ये बताइए इनकी आय का अनुपात क्या है। तो आप देखिए विमल, दीपक और शेखर, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए आप हमेशा उल्टा चलिए, उल्टे में मानिए इसे 100। दीपक की आय से 20% कम है तो 80 रही होगी। इसकी आय, विमल की आय दीपक से 10% ज़्यादा है, तो 80 का 10% 8 तो 88। अब आप इसका अनुपात निकाल लीजिए, तो अनुपात कितना हो जाएगा 44:40, और ये कितना हो जाएगा 50। अब आप ऑप्शन में देखेंगे तो दोबारा आपको काटना पड़ेगा, तो ऑप्शन में काटेंगे तो कितना जाएगा 22, 20 और 25। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एज और एवरेज का मिक्सचर है। वो कह रहा है कि काव्या और वीना की प्रेजेंट एज का, जो प्रेजेंट एज है वो है 18 और 22, तो इनका औसत कितना होगा 9 साल बाद। अब आप मुझे बताइए, बाद का छोड़िए अभी का औसत बताइए। तो आप कहेंगे अभी का औसत होगा 18 + 22 / 2। मैंने आपको एवरेज का पहला पार्ट पढ़ाया है, अगर किसी भी बच्चे ने वो पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उस पार्ट को देख लीजिए, उसमें मैंने एवरेज बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है कि क्या है एवरेज, कैसे काम करता है, और जल्दी उसके आगे भी उसके दूसरे काफ़ी सारे पार्ट आने वाले हैं। ठीक है, तो आप इनका एवरेज कितना हो जाएगा ऐड कर लेंगे 40 / 2, तो आप कहेंगे एवरेज आ गया 20। अब आप मुझे बताइए काव्या की भी 9 साल बाद पूछ रहा है, अब देखिए 9 साल बाद बोल रहा है तो काव्या भी 9 साल बढ़ जाएगी, वीना भी 9 साल बाद बढ़ जाएगी, अगर दोनों 9-9 बढ़ रहे हैं तो एवरेज भी 9 बढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 29। मैंने आपको एवरेज में बताया हुआ है कि एवरेज सेम नंबर से बढ़ता है, सेम नंबर से घटता है, अगर दोनों सेम नंबर से बढ़ रहे हैं, ये भी 9 से ये भी 9, तो एवरेज भी सेम नंबर से बढ़ जाएगा, अगर ये दोनों सेम नंबर से घट रहे होते 9-9 तो एवरेज भी 9 घटता और 11 आ जाता। ठीक है, अब ये दोबारा से एक और बार सिस्टम पे ही क्वेश्चन है, ये कह रहा है 3.5 के, आप इसे 3.5 पे बार इसे सॉल्व करिए, तो इसका सॉल्यूशन कुछ नहीं है, आपको करना है 35 - 3 कितने पे बार है, 1 पे बार है। पॉइंट के डेसिमल के सेट वाली डिजिट देखनी है, तो 35 में से 3 गए तो आप कहेंगे 32/9, ऑप्शन 4। ठीक है, अब आपका एक और बार का क्वेश्चन है, ये 0.0 पॉइंट के बाद अब आप कहेंगे 57 कितने पे बार है, 3 डिजिट पे बार है, तो 3-9 इसे 3 से काट दीजिए, 3 3 3 और 19 दिया 57, तो आपको दिख रहा होगा ऑप्शन ए सही है, तो ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। अब आप मुझे ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये कह रहा है, मुकेश स्पेंड्स 80% ऑफ हिज इनकम, मुकेश जो है अपनी आय का 80% खर्च कर देता है, हिज इनकम इज इंक्रीज बाय 20% एंड हिज एक्सपेंडिचर इज ऑल्सो इंक्रीज बाय 15%, उसकी जो आय है वो 20% से बढ़ा दी जाती है और उसके खर्चे भी 15% से बढ़ा दिए जाते हैं, तो ये बताइए कि उसकी जो सेविंग्स हैं, उसकी जो बचत है वो कितने परसेंट से बढ़ेंगी या घटेंगी। अब आप मुझे ये बताइए, ऐसे क्वेश्चन आप हमेशा ऐसे करिए, इनकम क्या होता है, तो आप कहेंगे एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स, यही तो इनकम होती है आपकी, कि आपके खर्चे और बचत को जोड़ दे तो आपकी आय का पता चल जाएगा। अब आप मुझे बताइए, अगर मैं कहूँ कि आपकी आय 100 है, ठीक है, तो कह रहा है 80% आप खर्च करते हैं, तो आप 80 खर्च कर रहे हैं तो बचत कितनी कर रहे होंगे 20। अब आपकी आय को 20% बढ़ा दिया जाए, तो 100 से 20% बढ़ा दिया जाए तो 120, और आपके खर्चे 15% बढ़ा दिए जाए, तो अगर आप 15% निकालेंगे तो आप यहाँ पे 18% निकाल लीजिए, तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 5 3 जा, यहाँ से पहले से काट दीजिए, 20 चौके 20 पंजे और 5 3 जा 12 हो जाएगा, तो 12% बढ़ गया, तो ये कितना हो जाएगा 92, अगर ये 92 है तो आपका 20 कितना हो जाएगा 28, सेविंग 28 हो जाएगी, सेविंग 28 कैसा आई, अब आप मुझे बताइए इन दोनों का सम 100 बैठना चाहिए, तो इन दोनों का सम कितना बैठना चाहिए, आप कहेंगे 120, तो ये 92 है तो ये कितना होना चाहिए 28, 120 में से 92 घटाए तो 28 आ गया। अब आप मुझे बताइए, पहले सेविंग 20 है, अब सेविंग 28 है, तो कितना बढ़ गई है, 8 बढ़ गई है, किस पे, 20 पे, तो 100 पे कितना, 4 × 4 = 20, 20 × 40, तो आंसर कितना आ गया 40%, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम अपना लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, कि लास्ट क्वेश्चन क्या है इसका। अब वो कह रहे हैं कि नितिन सैलरी इज 25% मोर देन विनीत सैलरी, तो हाउ मच परसेंटेज विनीत सैलरी लेस देन नितिन सैलरी। नितिन की जो सैलरी है वो विनीत की सैलरी से 25% ज़्यादा है, तो अगर विनीत की सैलरी 100 है तो नितिन की सैलरी 125,
अब आप मुझे बताइए, ये कह रहा है कि विनीत की सैलरी नितिन की सैलरी से कितना कम है, तो आप कहेंगे विनीत की सैलरी नितिन की सैलरी से 25 कम है, ठीक है 25 कम है, दिख रहा है साफ साफ, पर किसके रिस्पेक्ट में 25 कम है? आप कहेंगे नितिन के रिस्पेक्ट में 25 कम है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछ रहा है विनीत की सैलरी नितिन की सैलरी से कितना कम है, तो नितिन की सैलरी से 25 कम है, और नितिन की है कितनी, 125 गुणा 100, 25 पंजे और 25 20, तो कितना आ गया 20%, तो नितिन की जो सैलरी है इसकी सैलरी से 20% कम है। कई बार बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं इसमें कि करते क्या है, हालांकि क्वेश्चन बहुत ईजी है, पर स्टिल जैसे यहाँ पे 125 है यहाँ पे 100 है, तो वो सोचते हैं कि 25% कम है किससे, 100 से, तो और 100, 100 से 100 काट के 25% लगा देते हैं आंसर, बल्कि नहीं 25% इसकी इससे ज़्यादा है, इसकी इससे 20% कम है। तो जब भी आप, अगर वो इससे पूछ रहा है ना, तो आप यहाँ पे नीचे 125 लिखेंगे, जिसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है उसी चीज़ को आप नीचे लिखेंगे, जिसके रिस्पेक्ट में, वो किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, वो पूछ रहा है नितिन के रिस्पेक्ट में, तो हम जो निकालेंगे वो नितिन के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, ठीक है। सो गाइज, आज ये हम पार्ट वन है इसका, पार्ट वन हम यहीं पर ही कंप्लीट करते हैं, ऐसे इसके काफ़ी सारे पार्ट आएंगे, जितने भी DSSB के पेपर हुए हैं सबके सॉल्यूशंस मैं कराऊंगा आपको। आई होप कि आपको समझ में आ गया है और पसंद आया होगा आपको ये लेक्चर। स्टिल अगर किसी की कोई भी क्वेरी होती है तो आप प्लीज़ उसे डालिए नीचे कमेंट बॉक्स में, लिखिए, मैं पढ़ के खुद रिप्लाई करूँगा वहाँ पर। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने ग्रुप में, जो भी DSSB की, KVS, NVS, TGT, PGT जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं वहाँ के लिए, और ऐसे ही मैथ्स का ये सारे सेशन कंटिन्यू रहेंगे, यहाँ पे कंप्लीट मैथ्स पढ़ाई जाएगी, जितनी भी पेपर से रिलेवेंट है सारे क्वेश्चंस, हर टाइप के क्वेश्चंस, बेसिक टू एडवांस सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो गाइज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा जिससे कि आप लेटेस्ट अपडेट पा सकें, एंड थैंक यू गाइज़, पढ़ते रहिए और मेहनत करिए।